हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। २०१९ के बाद तानाशाह बन जाएंगे मोदी। बीजेपी सांसद बोले, २०१९ के बाद देश में नहीं होगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2019 का चुनाव देश का चुनाव है, इसके बाद 2024 में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव न होने की वजह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को बताया है। गुरुवार को उन्नाव में हुए समर्पण निधि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये जो चुनाव है वो पार्टी का चुनाव नहीं होगा, साक्षी महाराज का चुनाव नहीं होगा। पहली बार देश में जागृति आई है, हिंदू जाग गया है। मैं सन्यासी हूँ, जो मन में आता है कह देता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव होगा। साक्षी महाराज ने अपने भाषण में कहा कि 2014 में देश में मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी नाम की सुनामी है। ऐसे में गठबंधन वगैरह की बात सब नाकाफी है। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही साक्षी महाराज ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चिट्ठी लिखा था कि अगर पार्टी उन्नाव से उनका टिकट काटती है तो उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी चिट्ठी में उन्नाव सांसद ने लिखा था कि वो उन्नाव के अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अगर उनका टिकट उन्नाव से कटा तो पार्टी को नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।